वैशाली नगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक ऋकेश सेन ने गुरुवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में देर रात तक संचालित होने वाले व्यावसायिक संस्थानों, होटलों, ढाबों, बार सहित अन्य व्यवसाय को निर्धारित समय तक ही खोले रखने तथा शहर के यातायात व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने सहित शहर में शांति व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अभी उसके लिए स्पेशल केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो आने वाला समय बताएगा पुलिस कंट्रोल रूम से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि ये बड़ा मामला हो चुका है, नेशनल मीडिया का भी मामला था, नेशनल लेवल पे ये बहुत हाईलाइट हुआ है। जय सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी भी होना है, ईडी ने उसको भेजा है, संबंध भी भेजा है। इस पे दोनों सरकार मिलके, डबल इंजन मिलके जो है एक बड़ा काम करने वाली है। बस मात्र मुख्यमंत्री बनने का इंतजार है और उसके बाद शपथ वगैरह हो जाए तो पहला एक्शन महादेव आईडी पे आपको दिखेगा। आज एक परिचयात्मक बैठक भी थी, कौन अधिकारी कहाँ पदस्थ है, कौन कौन कहाँ कैसा क्या है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में हमने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और हमको कभी जो है किसी से बात हुई नहीं है, सब नए भर्ती हुई है सबकी, तो सबसे एक बैठक में परिचय हुआ है। और साथ में परिचय के साथ मैंने आज ये कहा है कि आज से ही 11 बजे ठीक सारे होटल और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी होटल और ढाबा अगर कहीं पे भी कार में बैठ के कोई शराब पीता है और उसको चखना सप्लाई किया जाता है तो नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलके उस दुकान को सील करेंगे। ढाबा संचालक और होटल संचालक के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा खुले मैदानों में जिस भी प्रकार के शराब पीते हैं और पीने के बाद उनकी मानसिकता क्राइम वाली मानसिकता हो जाती है, उसको रोकने के लिए आज से पहल चालू हो गई है। आज पुलिसिंग जो है पूरे टीम के साथ सभी मैदानों में लगातार पेट्रोल, ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया तो कल नहीं होगा या 6 महीना नहीं होगा, प्रतिदिन उनको उनकी धर पकड़ की जाएगी। उनको उस अपमानित से भी आप लोग के माध्यम से बता देता हूँ, ऐसे लोग जो खुले मैदान में जो शराब पीते हैं उन लोग सचेत हो जाए, क्योंकि उनके साथ व्यवहार ऐसा होने वाला है जो वो कल्पना से बाहर है। अगर वो ये सोच के पीते हैं पियेंगे कि थाने से मुचलका हो जाएगा या गाड़ियों को छुड़ा लेंगे या हमको कौन क्या कर लेगा या धावा 151 बस लगेगा, ये गलत फहमी में ना रहे। मेरे क्षेत्र में खुले रूप से शराब पीना सबसे बड़ा अपराध होगा, तो इसलिए वो सारे लोग अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, उस विषय पे बात हुआ है। रात को 10 बजे के बाद पूरा फोर्स नेहरू नगर से लेके मेरे विधानसभा क्षेत्र शीतला कॉम्प्लेक्स तक आपको हर चौक चौराहे पर पूरा फोर्स दिखेगा। उसमें स्पष्ट मैंने कहा है पहल कीजिए, कौन सी गाड़ियां 10 बजे के बाद निकलती है, उस गाड़ी में क्या सामग्री है, कौन 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 नशे पे है ड्राइवर, सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, वो व्यक्ति कहां का रहने वाला है, कहां जा रहा है, इस सारे विषयों पे हुआ है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सार्थक बैठक आज हुई है और सारे लोग मिल के, क्योंकि ये सरकार के हिस्से हैं और खुद सरकार हैं तो सरकार में खुद अच्छा काम करना पड़ता है तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है। क्राइम ब्रांच के भी अफसर थे, DSP ट्रैफिक थे, DSP ट्रैफिक को मैंने कहा है कि ऐसा पहल होना चाहिए कि आप चालानी कार्रवाई जो है, कोई अगर परिवार का व्यक्ति है उसको ज़बरदस्ती रोकने और टोकने का काम नहीं करना है, क्योंकि कोई माँ के साथ जा रहा है, कोई पिता के साथ जा रहा है, कोई अपनी छोटी बहन के साथ जा रहा है। और हमेशा पुलिस का नेचर पहले कांग्रेस सरकार में रही है कि माता को अपनी बेटी के सामने बेइज्जत किया जाता है, पिता को अपने बेटे के सामने बेइज्जत किया जाता है, और जो एक छोटा बच्चा है उस बच्चा वो देखता है कि एक पुलिस का अधिकारी जो है किस प्रकार से उसके पिता को डांट रहा है, बच्चा रोने लगता है और कोई किसी के साथ मारपीट कर देता है। ये व्यवहार मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं चाहिए। चालानी कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ हो जो बाल खड़े करके युवा चल रहे हैं, जो बुलेट में गोली दाग रहे हैं, जो बड़ा बड़ा अपना नाम लिखाए हैं, वो जो सारी चीज़ों में। दूसरा, पुलिस का जो व्यवहार है, जो नए सिपाही हैं, जो नए क्राइम ब्रांच में भर्ती हो रहे हैं, वो अपना चाल चल के चेहरे को ठीक कर लें। वो इसलिए ठीक कर लें क्योंकि वो जो पुलिस का जो सिपाही है अपनी गाड़ी में बड़ा बड़ा पुलिस लिखाता है,
एक भी गाड़ी में मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई पुलिस उस अपने गाड़ी में लिखा है। उनका जो व्यवहार है, सिविल ड्रेस में रहना, बड़ा सा गमछा को लपेटना, सर में गमछे को बांधना, डंडा लेके निकलना, शराब पीना रात को, ऐसा कोई भी है जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, ये कोई भी चरित्र मुझे पुलिस विभाग का ऐसा नहीं चाहिए। ये मैंने बड़ी पहल करने को कहा है। और एक क्लास जो है, एक क्लास हमारे एडिशनल साहब, सभी जितने इस मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो सिपाही हैं, उनका एक क्लास हो, उस क्लास में उनको ब्रीफिंग किया जाए। और उस क्लास के लिए अगर बाहर से अगर हमको बुलाना पड़े, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर होते हैं, जो इसकी शिक्षा देते हैं, जो अधिनियम को समझाते हैं, तो उसकी क्लास लेने की भी आवश्यकता पड़े तो क्लास भी बाहर से लेके दिया जाएगा। लेकिन ये सारे बिंदुओं पे बात हुआ है, जो आज शाम से ही आपको वैशाली नगर विधानसभा में ये देखने को मिलेगा। आइए सर।